तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मौज ऐप पर एक नया फीचर ऐड हो चुका है। आप इसको अपडेट समझ लीजिए या फीचर समझ लीजिए। यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट शो हो रहा होगा मौज फॉर क्रिएटर एकेडमी का, और यहाँ पर एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी आ रहा होगा। तो भाई, आपको इसमें कैसे अप्लाई करना है और इसको अप्लाई करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। भाई, अगर आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे फिर आपको अप्लाई करने का फायदा ही क्या रहेगा। तो इस वीडियो में आप लोग सब कुछ जानने वाले हो। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी फॉलो कर लेना, क्योंकि भाई वहां पर भी मैं काफी सारे छोटे छोटे अपडेट जो आते हैं वो मैं वहीं पर दे देता हूं। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर ये अपडेट जो मैंने आपको दिखाया ये आपको अगर अभी नहीं मिला है तो मैं आपको बताऊंगा ये कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले मौज ऐप अपना ओपन कर लेते हैं। तो भाई, मौज ऐप ओपन हो गया तो यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पे चले जाते हैं। प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएटर हब का, यहाँ पर इसी पे आपको कर देना है क्लिक, तब आपको ये अपडेट दिखेगा। क्रिएटर हब पे आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे देन यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही साइड में ये चीज दिख जाएगी। देख सकते हो यहाँ पर मौज फॉर क्रिएटर एकेडमी आपको शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर इसी का मतलब आपको समझना है, इसका मतलब है कि यहाँ पर पहले आप पूरा पढ़ के समझ लीजिए फिर आगे आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा है वेटिंग फॉर योर सिलेक्शन टू द MFC एकेडमी हियर योर चांस, मतलब आपके चांस का ये लोग वेट कर रहे हैं कि आप सेलेक्ट हो जाओ MFC एकेडमी में, अभी आपके पास चांस है। रजिस्ट्रेशन आर ओपन, रजिस्ट्रेशन भी ओपन हो चुके हैं इनके, और यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है तो आप अप्लाई भी कर सकते हो यहाँ पर। और ये सिर्फ और सिर्फ भाई मौज फॉर क्रिएटर्स के लिए ही है जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं मौज फॉर क्रिएटर में। भाई, अगर आप लोग सेलेक्ट नहीं हो फिर भी आप लोग देख लोगे, क्योंकि भाई आगे भी आप जब सेलेक्ट हो गए तब आपको ये बेनिफिट मिल पाए, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस पे आपको क्लिक करना है जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं अभी के लिए। अगर जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनके में अगर ये ऑप्शन शो हो रहा है तब भी आप लोग फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, आप फ्यूचर में तो सेलेक्ट हो ही जाओगे। यहाँ पर देखो भाई लिखा है MFC एकेडमी ओनली फॉर मौज फॉर क्रिएटर्स, अभी ये मौज फॉर क्रिएटर्स के लिए ही है। देयर अ चांस टू बिकम अ सर्टिफाइड मौजी, मतलब इसको अगर आप भर दोगे तो भाई यहाँ पर चांस है आपका सर्टिफाइड मौजी बनने के लिए। इनकी तरफ से, मौज की तरफ से आप सर्टिफाइड हो जाओगे, आप एक प्रोफेशनल मौजी बन जाओगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा इट फोकस टू प्रोवाइडिंग क्रिएटर्स लर्निंग टेक्निकल नो हाउ एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ शॉर्ट वीडियो कंटेंट, मतलब कि इसमें ये फोकस किया जाएगा, क्रिएटर्स को ये चीज प्रोवाइड करी जाएगी इसके थ्रू कि भाई आपको कैसे अच्छे से अच्छा समझाया जाए कि भाई आप कैसे एक बढ़िया से शॉर्ट वीडियो क्रिएटर बन सकते हो। मतलब आपको सारा कुछ अंदर तक का ये लोग समझा देंगे कि भाई मतलब जीरो टू हीरो कैसे बनना है आपको। वंस अप्लाइड यू विल रिसीव अ कॉल, मतलब कि जब आप लोग एक बार अप्लाई कर दोगे उसके बाद आपको एक कॉल या मैसेज आएगा फ्रॉम मौज फॉर सिलेक्शन एंड फर्दर प्रोसेस, मतलब कि और भी प्रोसेस के लिए या फिर मौज सिलेक्शन के लिए आपको कॉल वगैरह सब कुछ आ जाएगा। प्लीज शेयर योर मौज हैंडल नेम, मतलब कि आपकी मौज ID यहाँ पर लिख देते हैं @LakshmiDharyadav5 मेरी ID है, तो मैं यहाँ पर वही डाल देता हूँ, यहाँ पर मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर आपको अपनी मौज प्रोफाइल का लिंक डालना है, तो यहाँ पर एक बार हम बैक कर लेते हैं। भाई, यहाँ पर आपको पहले से ही अपना मौज प्रोफाइल लिंक कॉपी कर लेना है ताकि भाई आपको मतलब बाद में बैक ना करना पड़े। तो 3 डॉट पे ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको शेयर प्रोफाइल का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आपको कॉपी लिंक का ऑप्शन आ रहा है तो आप कॉपी कर सकते हो डायरेक्टली, मेरे में नहीं आ रहा है तो मैं किसी को डायरेक्टली पहले शेयर कर देता हूँ फिर वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर किसी को शेयर कर दिया डायरेक्टली, यहाँ पर दबा कर रखते हैं, लिंक कॉपी हो गया। क्रिएटर हब पे देन क्लिक करेंगे अगेन, यहाँ पर आप लोग पहले से ही कॉपी करके रखना वरना आपका मतलब दोबारा से आपको कट करना पड़ेगा तो आपको फिर से दोबारा से सब कुछ फिल करना पड़ेगा। तो आप पहले ही अपना किसी को शेयर करके कॉपी कर लेना, उसके बाद ही यहाँ पर फॉर्म भरना। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पर अपना ID डाल देता हूँ। अब यहाँ पर दबा कर रखते हैं, पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर मौज, यहाँ पर प्लीज शेयर और मौज लिंक, तो मैंने अपना मौज लिंक शेयर कर दिया है। यहाँ पर नाम क्या है, तो यहाँ पर मैंने अपना नाम भी डाल दिया है LakshmiDharyadav। देन यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी दे देते हैं, बहुत सारी ईमेल आईडी मेरी है तो यहाँ पर मैंने एक कोई डाल दिया, ईमेल आईडी आप अपनी डाल देना। यहाँ पर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है जिससे आपको कॉल वगैरह रिसीव करना हो, तो यहाँ पर मैंने अपना नंबर डाल दिया है। देन यहाँ पर आपको अपना एक जनर सेलेक्ट करना है कि भाई आप कौन सी कैटेगरी की वीडियो बनाते हो। यहाँ पर डांस, फूड, ब्यूटी वगैरह सब कुछ यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं कॉमेडी एंड फन बनाता हूँ, बाकी एंटरटेनमेंट, एक्टिंग, रोमांस वाली वीडियो सारी यहाँ पर नीचे सेलेक्ट करोगे, बाकी यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लिखा व्हाट मेक्स यू फिट फॉर MFC एकेडमी, आप किस लिए MFC में फिट हो। मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपना माई कॉन्टेंट, मेरा कॉन्टेंट अच्छा है इसलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट होना चाहता हूँ। देन यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन हो तो लिख देना, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पर नहीं लिखना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नो। तो यहाँ पर एक बार हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। देन यहाँ पर सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पर कुछ लिखकर आ जाएगा MFC एकेडमी ओनली फॉर मौज फॉर क्रिएटर योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, बस आपका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो जाएगा, बस आपको कोई इशू नहीं, आपको एक दो दिन में कॉल आ जाएगा या फिर आपको एक हफ्ता भी लग सकता है, बस आप कॉल पिक कर लेना अपने, वरना भाई आपको दोबारा पता ही कॉल आए या ना आए। अगर आप लोग फॉर्म भरते हो तो आप लोग कॉल पिक करने के लिए एक्टिव रहना। तो आई होप गाइस यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो।